was super. We just loved it. Yeah, you can see the amount of energy in this place. Nahi bas kone once more. हाँ अभी करवाता हूँ once more, बार बार. Let me congratulate you guys. You know the trailer was awesome. मतलब जो response उसको मिला. Thank you so much. The songs have been doing so so well, and now with Beparwa, you've just killed it, yeah. The kind of reception that you people have got, and कल के दिन जो concert हुआ था, I want you to tell us something about that. You and Nidhi, of course. तो हाय गाइस, सबसे पहले नमस्ते, नमस्कार आप सबको. तो कल हम नागपुर गए थे, कॉन्सर्ट था वहाँ पर, और लगभग 20,000 लोग थे. तो इट वाज वेरी वेरी लाउड. पर यार सच बात ये कि दिस क्राउड ओवर हियर वाज एक्चुअली लाउडर देन देम, सरप्राइजिंगली. तो आप सबके लिए बहुत बहुत बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. हाँ, और या लॉट ऑफ लव यस्टरडे जी. For you, you know, first film and aisa reception, you're already a star, yeah. People are loving. I'm not even close to a star. Abhi to bahut time hai. Tiger ka dialogue bolu to abhi to maine start kiya hai. Ooh! Starting aisi hai to aagaaz kaisa hoga, hai na? To talk about this song and iske peeche jin log ki mehnat gayi hai, ladies and gentlemen, please put your hands together as I welcome on stage the captain of the ship, Sabir Khan saab, and with him, jinke bina ye shayad possible nahi ho sakta tha, of course, the producer, Mr. Vicky Rajani. Zordar taaliyan ho jaye. साहब का क्या कहना है वो मैं जानूंगा, लेकिन उससे पहले बता देता हूं, प्रोड्यूसर साहब की चाल सब कुछ बोल रही है. द फिल्म इज ऑलरेडी अ ब्लॉकबस्टर. जिस हिसाब से राजानी साहब ने एंट्री मारी ना, डूड, वी ऑलरेडी डन इट. या सो व्हाट डू यू हैव टू से द काइंड ऑफ रिसेप्शन द मूवी इज गॉट? बहुत खुश है, सबको गाने बहुत पसंद आ रहे हैं, और ट्रेलर इज ऑल्सो अप्रिशिएटेड बाई एवरीवन, एंड द फाइनल प्रोडक्ट इज वेरी गुड. सो वी आर वेरी एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द रिलीज राइट नाउ. थैंक यू सो मच. साबिर साहब, दिस वन्स फॉर यू. प्लीज मुझे बताइए, रिसेप्शन की बात हमने की, टाइगर ने बताया कैसे कल 20,000 से ज्यादा लोग थे इस गाने के, यू नो, लॉन्च पे, उस कॉन्सर्ट में. अभी क्या बोलना है, मतलब बिल्कुल एकदम ऐसा आ गई है रिलीज को पिक्चर. सो व्हाट आर द फाइनल थॉट्स? आई थिंक हमारे प्रमोशंस में, गानों में, ट्रेलर्स में, हमने हर चीज़ वो कन्वे कर दिए जो ऑडियंस को करनी चाहिए. बस प्लीज कम एंड वॉच द फिल्म 21 जुलाई. ऑफ कोर्स दे गॉट टू गो एंड वॉच दिस मूवी, राइट? You gotta be Beparwa and watch Munna Michael, ladies and gentlemen. And with this, I think ये grand launch तो हो गया. अब इसको आगे बढ़ाते हैं शाम को. It's time for the question answers. यहाँ से हम लोग तैयार हैं सवाल जवाब लेने के लिए. अच्छा, I can see the mics already going यहाँ से वहाँ, वहाँ से. जी, over to you. Tiger आपसे है. हाँ जी. Tiger, आपकी आपकी जो dancing है या फिर आप जो action करते हैं, उसके सभी बॉलीवुड के जितने भी कलाकार हैं या सुपरस्टार हैं, सभी बहुत बड़े फ़ैन हैं. वो अक्सर ये कहा करते भी हैं कि मुझे टाइगर से डांस सीखना है, मुझे टाइगर से एक्शन सीखना है. जब इतने बड़े बड़े सुपरस्टार आपको इस तरह से कॉम्प्लीमेंट करते हुए सीखने की बातें करते हैं, तो आप पर्सनली क्या सोचते हैं? मुझे आज तक पर्सनली कोई स्टार ने बोला ही नहीं. पर सच बात यह है कि बहुत खुशी की बात है अगर दिस इज़ ट्रू. और मैं हमेशा, मतलब मैं इन सब के बहुत 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 बड़े फ़ैन हूँ, तो मैं हमेशा तैयार रहूँगा. जब भी किसी को सीखना चाह, मतलब जो भी वो सीखना चाहते हैं, मैं हमेशा, मतलब आई एम रेडी टू हेल्प देम एज मच एज दे वांट. इट्स अ बिग ऑनर फॉर मी. थैंक यू. एक अवार्ड फंक्शन में शाहरुख खान ने भी मेंशन किया था कि आई वॉन्ट टू लर्न समथिंग. क्या बात कर रहे हो? एक्शन सीखना चाहूँगा. आई थिंक शाहरुख सर को ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी इतने बड़े सुपरस्टार है, वो एक्शन भी करेंगे तो हमारा क्या होगा फिर, सोचो. बट नो, आई थिंक वो ऑलरेडी ही नोज एक्शन एंड ही इज वेरी गुड हिमसेल्फ. आई हैव सीन, इज अ वेरी एनर्जेटिक पर्सन. बट इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड यू आर क्वाइट पॉपुलर इन साउथ एशियन कंट्रीज, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सरहद पार भी लोग आपके बहुत बड़े फैन हैं, सब हर जगह, क्या कहेंगे? पता नहीं यार, किस्मत अच्छी है मेरी शायद. अरे हाय सर. हाँ टाइगर, आप सब जानते हैं डांस में अच्छे हैं, एक्शन बहुत अच्छा करते हैं. कॉमेडी, जो द कपिल शर्मा शो जो है, कॉमेडी के लिए जाना जाता है, हर कोई देखता है,
तो आज आप इस सेट पे आए, तो मैं जानना चाहूँगा कि क्या ये जो जॉनर है कॉमेडी का, वो आप अटेम्प्ट करना चाहोगे आउट एंड आउट कॉमेडी? क्योंकि बड़े बड़े स्टार शाहरुख सलमान से लेकर सब ने किया है यार। ट्राई करूँगा, थोड़ा बहुत ट्राई कर लिया मैंने फ्लाइंग जेट में, पर वो उतनी उड़ी नहीं तो हाँ, पर इसमें मुन्ना माइकल में काफ़ी ह्यूमर है, तो इसमें देखेंगे कैसा लग रहा है आप सबको। और अगर मैं पूछूं कि कॉमेडी में कौन आपको पसंद है, क्या आप कपिल शर्मा शो देखते हैं तो कुछ बताएं? मैं कपिल सर का फ़ैन हूँ बहुत पहले से। मुझे याद है जब पहली बार हम आए थे कपिल सर के शो में, पापा मेरे साथ थे और बहुत मज़ा आया कपिल सर के साथ। जब भी आता हूँ मैं हमेशा हंसता हूँ और हमेशा इंस्पायर होके जाता हूँ, तो आई एम अ बिग फैन ऑफ कपिल शर्मा ऑफकोर्स। निधि हाय, निधि हाय। कपिल शर्मा शो में जब जो भी स्टार आता है, तो जो नए लोग आते हैं कपिल उनके साथ कुछ ज़्यादा ही फ्लर्ट करते हैं, ज़्यादा प्रैंक खेलते हैं या ज़्यादा रोस्ट करते हैं, तो कुछ नर्वसनेस है आपको आज इस सेट पे आए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑनेस्टली बताओ तो मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे आज आके, क्योंकि जब मुझे ये पिक्चर मिली थी और मेरे फैमिली फ्रेंड्स को पता चला था, द फर्स्ट थिंग दे आस्क्ड मी इज, ओ सो विल यू बी गोइंग फॉर कॉमेडी नाइट्स यू नो कपिल के शो पे? तो मैंने बोला हाँ आई गेस। तो आई थिंक मैं बहुत ही खुश हूँ यहाँ पे आके, और अभी तक शो स्टार्ट नहीं हुआ है, तो देखते हैं। Hi, Tiger here. Hi. I would like to know what motivated you to do this film, director Sabir Khan or Michael Jackson? Dono. I think both, you know, I'm very close. ये मेरी तीसरी पिक्चर है साबिर सर के साथ, हीरोपंती बागी और मुन्ना माइकल अभी, सो ही इज़ लाइक फैमिली टू मी। और ऊपर से माइकल जैक्सन भी यू नो इज़ अ ह्यूज ह्यूज पार्ट ऑफ आर फिल्म, एज वी आर पेइंग अ स्मॉल ट्रिब्यूट टू हिम, तो आई थिंक बोथ मैन। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू डायरेक्टर सर। यस, आई वुड, I read that in the newspapers that it was very easy for you to convince Nawazuddin Siddiqui for the movie. It was easy to convince him for the film, very tough to get him to actually dance. So every time that we planned the shoot or scheduled it, he would chicken out and say he is not feeling too well, till we had to make him remind him a month back that the film is up for release. Do you think this movie then brought out the dancer in Nawazuddin Siddiqui? I hope so, and people make him dance more. Thank you so much. Thank you. Tiger, hi. Nidhi, hi. All right, my question thoda sa alag hai, of course. So the question is, recently a director has tweeted, you don't need to be arrested for gay shaming, body shaming, slut shaming and any shaming, because we are already living in a jail. Do you think we are living in a jail? कुछ समझ में नहीं आया मैडम, आई स्वेयर आई रियली डोंट अंडरस्टैंड यू। कुछ समझा ही नहीं जी। All right, can I, okay, recently a director has tweeted that, you know, if gay shaming, slut shaming, body shaming is there in India, you won't be getting arrested for that because we are already living in a jail. Mera question sirf aapse ye hai ki kya aapko lagta hai ki India ek jail hai ya phir aapke alag koi khayalat hai? ये मैनेजर वहां पर बैठी है, बोली यार आंसर मत करो, आंसर मत करो, नहीं तो फंस जाऊं। जोरदार तालियां, कम ऑन, थैंक यू सो मच जी। अगला क्वेश्चन, वी नो टाइगर सर इज अ लिटिल शाय, सो हाउ इज ही बीन अ कलीग विद यू इन एंड थ्रू आउट द फिल्म? इज ही शाय इन टॉकिंग ऑल्सो और ही लुक्स शाय बट ही इजंट? टाइगर बहुत ही एक रिस्पेक्टफुल लड़का है, यू नो, उसका दिल बहुत ही साफ है, ही इज़ अ नाइस गाय, बट ही इज़ नॉट एग्जैक्टली शाय। उन्होंने मुझे बहुत ही हेल्प किया है इस पिक्चर में ड्यूरिंग फिल्मिंग, तो आई थिंक या ऑल सेट एंड डन। उनका दिल बहुत जोर से धड़क गया, ये सवाल पूछते पूछते वो दिख रहा था, यू नो इज लाइक मैं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ लेता हूँ जी। नहीं टाइगर सर, निधि मैम, या नागपुर का एक्सपीरियंस किस तरह से रहा देखा जाए तो? यार जैसे हम कह रहे थे बहुत बढ़िया, क्योंकि बहुत बड़ा टर्नआउट था, ओवर 20,000 लोग मौजूद थे कल, और उनके सामने परफॉर्म करना बहुत नर्वस था, पर बहुत एक्साइटेड था क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल रहा था क्राउड से। और हाँ, तीन मुन्ना माइकल के तीन गाने पे परफॉर्म किए, मैं हूँ, डिंग डैंग और पेपरवा। बहुत ही ज़्यादा प्यार मिला नागपुर से, आई होप कि उन लोग सब जाके हमारी फिल्म देखें। टाइगर, लास्ट टाइम जब आप कपिल शर्मा शो में आया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो सुनील ग्रोवर भी थे इस शो में,
अब सुनील ग्रोवर नहीं है इस शो में और उसके बाद काफी कंट्रोवर्सी भी हुई, लेकिन क्या आप उनसे उन्हें मिस करेंगे आज? हाँ बिल्कुल, पर टीम भी बाकी लोग भी है और कपिल सर तो बाप आदमी है। बिल्कुल, और इस कमाल की टीम के साथ इट्स टाइम टू गो बेपरवा, इट्स टाइम टू गो बेपरवा। सो नाउ द बिग सरप्राइज, जैसा मैंने कहा था, कहां आए हैं हम? तो उनको बुलाना बनता है, उसके लिए थोड़ा हल्ला करना बनता है। गिव इट अप फॉर द मोस्ट बेपरवा बंदा ऑफ द इंडस्ट्री, कपिल शर्मा। Thanks a lot. So good to see you, Paji. Welcome. ये देखो अपने लोग बिठाए रहते हैं, उनका फायदा रहता है। Thank you. You know the Ghana is doing really well जब से ये आया है, और हम पूरी रिसर्च करके आए, हमने बाहर भी पूछा, उन्होंने कहा ये टीम सबसे ज्यादा बेपरवाह है इंडस्ट्री में, और यही टैग आपको भी दिया गया है, आपसे ज्यादा बेपरवाह कोई नहीं है, तो इसका क्या राज है? मुझे वैसे क्यों बेपरवाह क्यों कहा आपने? आजकल मुझे कोई कुछ भी बोलता है ना, मेरा ध्यान चल जाता है कि मुझे कोई टीज कर रहा है, पता नहीं ऐसा। एनीवेज बेपरवाह नहीं, पर हाँ आई एम ग्रेट फैन ऑफ टाइगर। जब टाइगर की पहली फिल्म आई थी हीरोपंती, मुझे शुरू से एक कनेक्शन सा लगता है टाइगर के साथ, बिकॉज मेरा जैकी दादा से बहुत प्यार है, और जब फर्स्ट टाइम हमारे शो पे आए थे टाइगर, तब भी मैं इनको देख के ही थक जाता हूँ एक्चुअली। ये परफॉर्म ये कर रहे होते हैं, मेरी सांस फूलने लगती है कि कोई इतनी मेहनत कैसे करता है। पर सो प्राउड ऑफ यू टाइगर, और बैक टू बैक आपने जो इतनी अच्छी मजेदार फिल्में दी हैं, और मुन्ना माइकल का जो ट्रेलर हमने देखा है वो भी इतना कमाल का लग रहा है। सो ऑलवेज रॉक करते हैं, इस बार भी रॉक करेंगे। थैंक यू सो मच, सो ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, द होल टीम। गाने की कुछ पंक्ति ऐसे गुस्से से देख रहे हैं, क्या बोल रहा है? मुझसे डांस करवा रहे हो? कुछ एक स्टेप्स तो बनते हैं। मैं अपनी एक फिल्म की थी अब्बास मस्तान सर के साथ, तो मैं मुझे कहते कि आपको डांस करना है, मैं कहा सर मेरे से होगा नहीं, कहते नहीं आपको पता नहीं है, आपको इंडस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट कोरियोग्राफर अहमद खान सिखाने वाले हैं। तो मैंने कहा ये उनके करियर के लिए खतरा है, मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, तो मुझे आप जितना मर्जी करवा लो मेरे से हो, पर टाइगर मेरा भाई है, अगर कुछ सिखा सकता है तो उसके ऊपर है, सब टू यू टाइगर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना? कुछ सो वी विल हैव द म्यूजिक राइट, आई विल टेक द माइक्स। हो जाए, होना चाहिए यार। मैं इतनी देर टाइगर के साथ रहा हूं, दो स्टेप तो सीख ही जाता, एक तो आपका बनता है। सर मैं चाहता हूं कि लोग फिल्म देखें। नहीं, लोग फिल्म देखेंगे, उसमें आपने थोड़ी ना डांस किया, पता चलेगा डायरेक्टर कैसे डांस करता है, नहीं देखेंगे तो उनको देखने दो। नहीं, उसमें टाइगर ही कर रहा है, यू हैव टू मेक सम नॉइज, तभी करेंगे वो, मेरे को लगता है। सर पब्लिक डिमांड के आगे कुछ नहीं चलता, आपने वो बेपरवाह भी पहना है सर, क्योंकि नहीं आता डांस ये सब किया है, प्लीज। क्या बोलते हो? Come on, can we have the music? Sorry, साहब भाई, हमने आपसे पूछा डांस के लिए। लेकिन हमने जो जो सवाल पूछे उनका एकदम सही जवाब यहां पे मिल गया है, और ये फिल्म ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर है। बाकी कपिल शर्मा जी के लिए तो जो बोला जाए, जोरदार तालियां हो जाए एक बार वापस इस अमेजिंग टीम के लिए, लेडीज एंड जेंटलमैन। एंड आई थिंक दैट्स इट, जो हमारे भाई लोग यहां पे वेट कर रहे हैं, इट्स टाइम फॉर अ क्विक फोटो ऑप, तो ओवर टू यू, खिच 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 हो जाए।